ओम ज्ञान तिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा एंड वेलकम। फोर्थ चैप्टर 10th श्लोक ये हमने कल किया था, आज हम क्विकली इसके जस्ट समरी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। वीत राग भया क्रोधा, मन्मया मामुपाश्रिता, बाहवो ज्ञान तपसा, बहवो ज्ञान तपसा, भूतमद्भावमागता, भूतमद्भावमागता। ओके, तो ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ मैं क्विकली। बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर, बीइंग फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन मी एंड टेकिंग रेफ्यूज इन मी, मेनी मेनी पर्सन इन द पास्ट बिकेम प्यूरिफाइड बाय नॉलेज ऑफ मी एंड दस ऑल दे ऑल अटेन्ड ट्रांसेंडेंटल लव फॉर मी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, भगवान बता रहे हैं, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भगवान के कैसे सारे के सारे लोग प्यूरिफाई हो गए थे भगवान की शरण लेके, ठीक है ना, भगवान की रेफ्यूज लेके। तो ऐसा बहुत ज्यादा पहले वर्णन नहीं किया है, अभी शुरू कर रहे हैं भगवान और आगे चल के और बताएंगे इस बारे में। तो इसके बीच में तीन चीजें यहाँ पे बताई हैं कि फ्री होते हैं किस चीज से, अटैचमेंट फियर और एंगर से। तो अटैचमेंट फियर एंगर ये सब अनर्थ है, ठीक है ना, तो इनसे मुक्त हो जाता है व्यक्ति जैसे जैसे भगवान की शरण लेके उनकी तरफ बढ़ता है और पूरी तरह से मुक्त होने के बाद पूरा प्यूरिफाई हो जाता है और फिर वो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो लव है, प्योर लव, उसका रेसिप्रोकेशन हो सकता है। एक्चुअली यही हम सब किसी भी चीज में जो ढूंढ रहे हैं वो यही फुल हैप्पीनेस ब्लिस सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं। कोई भी चीज, कोई भी इंसान कार्य करता है या इवन जानवर भी करते हैं, कोई भी लिविंग एंटिटी करती है, वो ढूंढ रहा है सेटिस्फैक्शन, लव, ब्लिस, आनंद, इसको ढूंढ, इसकी तलाश कर रहा है। और वो तब हो सकती है जब हम भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप फुल्ली अंडरस्टैंड करके उसमें एक्ट करते हैं प्रेम पूर्वक तरीके से। तो इसमें हमने देख दूसरी दूसरी फिलोसफीज देखी, जैसे कई लोग जो हैं वो भगवान को समझ नहीं पाते और वो सोचते हैं कि भगवान जो के पूर्ण रूप में समझे जाते हैं ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के एस्पेक्ट्स में, वो तीनों को समझ नहीं पाते। और जो लोग तीनों को नहीं समझ पाते हैं उनको पूरी अंडरस्टैंडिंग भगवान की हो नहीं पाती, और ऐसे व्यक्ति जो है वो भगवान के साथ उनको संबंध स्थापित करने में बहुत मुश्किल हो जाती और वो अल्टीमेट गोल अचीव नहीं कर पाते। लेकिन जो व्यक्ति इस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करते हैं और भगवान की तरफ बढ़ते हैं, वो इस प्रोसेस को अच्छे से समझ पाते हैं और फॉलो कर पाते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस आते हैं हमारी जर्नी की, जैसे जैसे हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी अलग अलग स्टेजेस आती हैं जर्नी की। तो वो स्टेजेस यहाँ पे बताई गई हैं। पहली स्टेज होती है, आप लोग नोट्स बना सकते हैं जिन जिन्होंने नोट्स कल नहीं बनाए। पहली स्टेज आती है श्रद्धा की। श्रद्धा मीन्स बहुत शुरू का एक थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ फेथ, बहुत छोटा सा फेथ, प्रिलिमिनरी फेथ या डिजायर है भगवान के बारे में समझने के लिए या भगवान के बारे में कुछ फॉलो करने के लिए। तो बड़े सारे लोग होते हैं स्टेज पे जिनको थोड़ा सा भगवान में विश्वास होता है या थोड़ी सी श्रद्धा होती है। कई लोग तो इस स्टेज में भी नहीं होते हैं, मेजोरिटी लोग तो आजकल ऐसे स्थिति है कलयुग की, लेकिन कुछ लोग ऐसी स्टेज पे होते हैं कि वो श्रद्धा है थोड़ी भगवान की।
लेकिन श्रद्धा के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, साधु संग। साधु संग मीन्स एसोसिएशन। एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अगर हमारी होगी भक्तों के साथ, जो ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ जिनके संग में रह के हम सीख सकें, ट्रेन कर सकें अपनी माइंड को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी हैबिट्स को, तो वो सेकेंड स्टेज आती है। अब श्रद्धा वाले कई सारे लोग हैं जो श्रद्धा में ही रह जाते हैं, वो उसके आगे नहीं बढ़ पाते, वो भक्तों का एसोसिएशन नहीं लेते, जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड ऐसे लोगों का एसोसिएशन का फायदा नहीं उठाते, एडवांटेज नहीं लेते, तो वो श्रद्धा में रह जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं फॉर्चुनेट व्यक्ति जो एसोसिएशन में आते हैं तो उसको सीरियसली लेते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। हियरिंग, क्वेश्चंस, ये सब इसका पार्ट है। लविंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, फ्रेंडशिप एस्टैब्लिश करते हैं भक्तों के साथ, तो ये सेकंड स्टेज आ गई। थर्ड स्टेज आती है जब ये आपकी सेकंड स्टेज में आप अच्छे से प्रोग्रेस करते हो, तो नेक्स्ट आती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आप कोई कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करते हो, चाहे आप मेडिटेशन करोगे, चाहे आप भगवद गीता पढ़ोगे, चाहे आप उसको फॉलो करोगे, ये अलग अलग चीजें जो हैं ये भजन क्रिया में आ जाती, तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आ गई थर्ड स्टेज। अगर हम ये तीन स्टेजेस करते हैं और थर्ड स्टेज को सीरियसली करते हैं और एसोसिएशन अच्छे से लेते हैं, तो इससे क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। अनर्थ निवृत्ति मीन्स जो यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि ये अटैचमेंट फियर ऑफ एंगर से मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, ये स्टेज अनर्थ निवृत्ति के बाद आती है। तो बड़े सारे लोग साधु संघ की स्टेज में आ जाते हैं, लेकिन बहुत सीरियसली अगर वो भजन क्रिया करेंगे, नेक्स्ट स्टेज को फायदा उठाएंगे, तब वो इस स्टेज में आएंगे, अदरवाइज वो अटके ही रहेंगे। तो ये स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को क्रॉस करना मींस तब आपकी हो जाएगी निष्ठा। जब इस स्टेज को क्रॉस किया आपने अनर्थ निवृत्ति की, तो आपके फ्री हो गए आप अटैचमेंट फियर और ये जो स्टेजेस लिखी है ना कृष्णा ने यहाँ पे, अटैचमेंट फियर और एंगर, सारी की सारी से फ्री हो जाओगे। तो वो फ्री होने के बाद आप बिल्कुल पूरी तरह से फर्म फिक्स्ड हो जाएगा आपका फेथ। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी फेथ था श्रद्धा में, अब जब ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जब अनर्थ चले आते हैं, तो वो निष्ठा की स्टेज आ जाती है। ठीक है ना, निष्ठा में व्यक्ति जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर आती है रुचि की स्टेज। रुचि मींस अभी तक तो हम कर रहे थे एक प्रोसेस, उसमें थोड़ा सा हमारे को क्या कहते हैं रियलाइजेशंस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। हरे कृष्णा, आपने कल फोर्थ स्टेज कुछ और बताया था, फिफ्थ स्टेज में निष्ठा बताया था, तो फोर्थ स्टेज में क्या था वो मेरा मिस हो गया था। फोर्थ है अनर्थ निवृत्ति। अच्छा, तो पहला हो गया श्रद्धा, सारे यहीं पे श्रद्धा। दूसरा हो गया साधु संगा, मतलब श्रद्धा मींस प्रिलिमिनरी फेथ, प्रिलिमिनरी डिजायर। साधु संग हो गया एसोसिएशन। तीसरा हो गया स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, भजन क्रिया। चौथा हो गया अनर्थ निवृत्ति, मतलब के जो अनर्थ हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, जो फियर, एंगर, अटैचमेंट, ये सब ऐसी कई सारी हैं, लस्ट, ग्रीड, एंगर, एनवी, प्राइड, इल्यूजन, ये सारे अनर्थ हैं, तो ये सारे चले जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति मींस ये जाने का प्रोसेस। और फिर इसके नेक्स्ट स्टेज में आते हैं जब स्ट्रांग हो जाती है, आपके अनर्थ चले गए हैं, अब आप निष्ठा, निष्ठ हो गए बिल्कुल स्ट्रांग। फिर निष्ठा के बाद क्या आता है, रुचि आती है। अभी तक तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, लेकिन रुचि में अब आपको टेस्ट आने लग जाता है, अब आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस इंटेंसिफाई होने लग जाते हैं, अब आपको इसकी इसकी और ज्यादा करने की हैबिट हो जाती है, आपके लिए नेचुरल होता है फिर करना। फिर आसक्ति हो जाती है। आसक्ति मीन्स अब आप अटैच हो गए हो कृष्णा से, अब आपको कृष्णा के साथ अटैचमेंट हो गई है मटीरियल चीजों की जगह। तो ये आसक्ति की स्टेज जो है ये बड़ी एडवांस स्टेज है। यहाँ पे अगर हम आएंगे तो हम नेचुरली प्रोग्रेस करेंगे फिर उसके बाद, क्योंकि हम अटैच्ड हैं हम कृष्ण।
और फिर क्या होगा, फिर स्टेज हो जाएगी भाव, भाव की स्टेज, मतलब कि अब आपके टोटल स्पिरिचुअल इमोशंस हो रहे हैं, भगवान के साथ स्पिरिचुअल इमोशंस का रेसिप्रोकेशन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज होती है। और हाईएस्ट स्टेज होती है प्रेम की, कि अब आपका कंप्लीट लव ऑफ गॉड है, कंप्लीट लव ऑफ गॉड। और ये भाव की स्टेज में व्यक्ति भगवान को एक्सपीरियंस करता है कॉन्स्टेंटली, ऐसा नहीं कि हमारा क्या है, हमको थोड़ा कोशिश करनी पड़ती है, अदरवाइज हम दूसरी चीजों में बड़े अब्सॉर्ब हो जाते हैं, लेकिन जब भगवान के बारे में बात आती है तो इतना ज्यादा अब्सॉर्प्शन नहीं होता, हमें पता नहीं होता, हमारे को इतनी ट्रेनिंग नहीं है हमारी कि हम ठीक से भगवान की तरफ बढ़ सकें या भगवान को कैसे अप्रोच करना है समझ सकें। तो लेकिन अगर हम प्रोसेस पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं, ये भगवद गीता पढ़ना जो है, एसोसिएशन लेना, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना, मेडिटेट करना इंटेंसली, प्रे करना, चैंटिंग करना, तो हम देखेंगे कि ये सारी स्टेजेस में हम एडवांस होते जाएंगे और हम एक्सपीरियंस करेंगे एडवांसमेंट। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं, ये एक तरह से जैसे होता है ना, आप कहीं जाते हो, आपको मान लो अपने घर से ऑफिस में जाना है, तो आप जीपीएस लगाते हो। अब जीपीएस जो है वो आपको बताता जाता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है। अब कोई व्यक्ति पहली बार ही जा रहा है जीपीएस में, तो उसको नहीं, अभी फेथ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो जैसे जैसे जीपीएस में आगे जाता जाता है तो उसको लगता है अरे ये तो सही सही रास्ता बता रहा है मुझे, तो इसका मतलब जीपीएस ही सही है। उसी तरह से जब हम इस प्रोसेस में बढ़ते आगे, और जैसे जैसे ये अलग अलग स्टेजेस, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, ये स्टेजेस काफी डिटेल्ड हैं, तो वो उसके लिए अलग बुक हम पढ़ेंगे जब भगवद गीता हमारी पूरी हो जाएगी। और भगवद गीता भी बीच में भी डिस्कशन करेंगे हम, जैसे जैसे रेलेवेंट पॉइंट्स कृष्णा बोलेंगे। मगर पॉइंट ये है कि दिस इज लाइक जीपीएस, ऐसे आचार्य हमें बताते हैं कि कैसे कैसे कौन सी स्टेजेस में क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कैसे उसको ओवरकम करना है और कैसे आगे बढ़ते रहना है भगवान की तरफ। और जैसे जैसे हम उस चीज को अप्लाई करेंगे, हम देखेंगे इट इज वर्किंग, तो फिर हमें लगेगा अरे यार ये तो परफेक्ट मेथड है। वैसे हमारा फेथ भी बढ़ेगा, हमारी प्रैक्टिसेस भी बढ़ेंगी और हमारी रियलाइजेशंस भी इंटेंसिफाई होंगी। तो ये कंप्लीट गाइड है कृष्णा तक पहुंचने की। तो ये आज मैंने जो डिस्कस किया है, जस्ट वेरी शॉर्ट में हमने ये 10 श्लोका डिस्कस किया है। अब हम 11th पे जाएंगे और तब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा जो स्टोरी हमने कल सुनी थी, क्योंकि इसके लिए भी वो बहुत रेलेवेंट है स्टोरी। तो प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तथैव भजामि अहम्। मम वर्तमानु वर्तन्ते, मनुष्य पार्थ सर्वशः, ओके। कौन करेगा ट्रांसलेशन? हरे कृष्णा, आई कैन रीड? हाँ प्लीज। ट्रांसलेशन: एज ऑल सरेंडर अनटू मी, आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ओ सन ऑफ पार्थ। हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप संस्कृत भी याद कर सकते हो, तो आपके पास थोड़ा टाइम हो आप ये संस्कृत लिखो और याद करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतैव भजामि हम। एज ऑल सरेंडर ऑन टू मी, आई रिवॉर्ड देम अकॉर्डिंगली। जो जिस प्रकार से भगवान की तरफ बढ़ता है, भगवान की जिस एक्सटेंट तक शरणागति लेता है, उस एक्सटेंट तक भगवान उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। तो अभी पर्पट पढ़ेंगे, फिर और डिस्कस करेंगे इस बारे में। कौन पढ़ेगा पर्पट? I'll read. Please. Purport: Everyone is searching for Krishna in the different aspects of his manifestations. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahma Jyotir effulgence and as the all-pervading super soul dwelling.
within everything, including the particles of atoms, but Krishna is fully realized only by his pure devotees. Consequently, Krishna is the object of everyone's realization. And thus, anyone and everyone is satisfied according to one's desire to have him. In the transcendental world also, Krishna reciprocates with his pure devotees in the transcendental attitude, just as the devotee wants him. One devotee may want Krishna as supreme master, another has as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards all the devotees equally according to their different intensities of love for him. In this material world, the same reciprocations of feelings are there, and they are equally exchanged by the Lord with a different type of worshippers. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with him in person and are able to... Can you hear me? Person and are able to render personal service to the Lord and thus derive transcendental bliss in his loving service. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps also by absorbing them into his effulgence. Such impersonalists do not agree to accept the eternal, blissful personality of Godhead. Consequently, they cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their individuality. Some of them who are not firmly situated, even in the impersonal existence, return to this material field to exhibit their dormant desires for activities. They are not admitted into the spiritual planets, but they are again given a chance to act on the material planets. For those who are fruitive workers, the Lord awards the desired results of their prescribed duties as the Yajneshwara, and those who are yogis seeking mystic powers are awarded such powers. In other words, everyone is dependent for success upon his mercy alone, and all kinds of spiritual processes are but different degrees of success on the same path. Unless, therefore, one comes to the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect, and is stated in the Srimad Bhagavatam 2.3.10. अकाम सर्व कामो वा कामा उदारधि न भक्ति योगेना यजेता पुरुषं परम. Whether one is without desire, the condition of the devotees, or is desirous of all the fruitive results, or is after liberation, one should with all efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection, culminating in Krishna consciousness. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. So, जिस तरीके से हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, उनका शरण लेते हैं, भगवान के साथ रेसिप्रोकेट चलना चाहते हैं, उसी तरह से भगवान जिस तरह से हम भगवान की तरफ अपने प्रेम को भगवान के सामने रखते हैं, उसी तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं. तो इसके लिए प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से भगवान की तरफ बढ़ने हैं. एक्चुअली सबसे पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. Everyone is searching for Krishna in different aspect of his manifestations. जो सब जीव हैं, उनकी भावना क्या है कि उनको खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए. जो भी वो कर रहे हैं वो खुशी और हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं. और एक्चुअली सोर्स क्या है सारी खुशी और हैप्पीनेस का, वो है कृष्णा. तो एक्चुअली सब लोग, उनको पता नहीं है, लेकिन वो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कृष्णा. और ये इसी वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सीरियसली लेना.
तो अलग अलग व्यक्तियों का एग्जाम्पल यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया है, जैसे कुछ लोग हैं वो भगवान की तरफ बढ़ते हैं ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के लिए, कि भगवान एक लाइट है उनको लगता है, भ्रमण एस्पेक्ट कि एक शक्ति है जो हर जगह परवेट कर रही है और वो ब्रह्म ज्योति की तरह रियलाइज करते हैं उसको और उसमें जाना चाहते हैं। कुछ लोग जाना चाहते हैं भगवान को एक परमात्मा के रूप में देखते हैं और उसमें मेडिटेट करते हैं योगी वगैरह, और जो भगवान के भक्त हैं वो जानते हैं कि ब्रह्म ज्योति भी हैं और परमात्मा भी हैं, लेकिन अपने पर्सनल फॉर्म में भगवान प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भी रेडी हैं और उससे उनको ज्यादा आनंद मिलता है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म में वो करते हैं, और जो डिवोटी हैं वो भी अलग अलग रूप से भगवान को अप्रोच करते हैं। जैसे कोई आप देखो हनुमान जी एक दास के भाव में कि भगवान मेरे मास्टर हैं, मैं उनका दास हूँ, सर्वेंट, उस तरीके से भगवान की तरफ बढ़ते हैं। और बाकी अलग अलग एग्जाम्पल है, जैसे यशोदा माई वो माता के रूप में भगवान कृष्ण को सेवा करना चाहती हैं कि ये मेरा बेटा है, और इसी तरीके से अलग अलग भगवान के साथ रिलेशनशिप होते हैं। तो एक तो हो गया शांत रस पैसिव फॉर्म में, एक हो गया दास्य, फिर हो गया सखा के रूप में सख्य, फिर हो गया वात्सल्य पिता के या माता के रूप में, और फिर हो गया माधुर्य लवर के रूप में। ऐसे अलग अलग तरीके से भगवान की तरफ ये सब डिवोटीज बढ़ रहे हैं और उसी तरह से भगवान उनको रेसिप्रोकेट करते हैं, जिस तरीके से लोग अप्रोच कर रहे हैं अलग अलग तरीके के लोग। और सिर्फ यही नहीं, अगर कोई एथीस्ट है जो कि भगवान में विश्वास नहीं रखना चाहता, तो उसको भी भगवान विश्वास दिलाते हैं कि हाँ भाई मैं एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसकी ये वे है भगवान की तरफ पढ़ने का कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो भगवान उसको ये विश्वास दिलाते हैं हाँ भाई मैं नहीं। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि नहीं भगवान इस डीटीज में नहीं है, उसको भगवान वही विश्वास दिलाते हैं। हालांकि वो लोग ये कहते हैं अरे भगवान तो जर्रे जर्रे में, तो ये मूर्ति की पूजा कर रहे, तो बोलना चाहिए अच्छा जर्रे जर्रे में है तो क्या फिर मूर्ति में भी होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है? या फिर आप ये कहना चाहते हो कि हाँ जर्रे जर्रे में है लेकिन मूर्ति में नहीं है भगवान, उसका कोई लॉजिक नहीं होगा। तो ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग बिलीफ सिस्टम है और भगवान उनको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं। क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि भगवान ने फ्री विल दी है सबको, आजादी दी है, और इस आजादी को सही फायदा एडवांटेज कौन उठाते हैं? जो भगवान के डिवोटी बनते हैं। जो डिवोटी बनते हैं उन्होंने सही अपनी फ्रीडम का फायदा उठाया। जैसे एक स्टूडेंट है, उसके पास फ्रीडम है कि भाई या तो वो पूरे साल पढ़ ले और पढ़ के उसके अच्छे नंबर आ जाए, और या फिर वो इधर उधर ऐश करे और फेल हो जाए एग्जाम। तो जो पढ़ के अच्छे से एग्जाम में अच्छे नंबर सिक्योर करते हैं वो अच्छे स्टूडेंट कहलाते हैं, एक्सीलेंट स्टूडेंट, सब उनको अवार्ड भी मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। जो नहीं करते वो कई बार फेल हो जाते हैं, फेल होने के बाद उनको उसी क्लास में कई एक साल दो साल चलता रहता है उनके हिसाब के। तो उसी तरीके से हमारी जो एक्चुअल डिसाइडिंग टेस्ट है वो ये है, डिसाइडिंग टेस्ट हमारी लाइफ का कि हमारी क्या कॉन्शियसनेस होगी एट द टाइम ऑफ डेथ। तो इसके लिए पूरी लाइफ टाइम प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और लाइफ टाइम जो प्रिपेयर करता है इसके लिए अच्छे से वो सही मायने में इसमें सिक्योर करते हैं नंबर, और उनमें सबसे ऊपर उनका नाम आता है जो भगवान को मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान में अपना ध्यान लगा रहे हैं, भगवान की सेवा में लग रहे हैं, उनकी कॉन्शियसनेस ऐसी है कि वो स्पिरिचुअल लाइफ को ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं और मटीरियल लाइफ में ही अपना 100% टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। मटीरियल लाइफ इज जस्ट फॉर फ्यू इयर्स, बट स्पिरिचुअल लाइफ इज इटर्नल। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो मटीरियल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलता है। तो जो भी हम करते हैं अपनी लाइफ में उसमें कई बारी ऐसे होती है सिचुएशन में पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर हम भगवान को शरण लेके, जैसे अर्जुन ने किया, अर्जुन ने पूरी तरह से शरण ली थी भगवान की सेकंड चैप्टर में, अगर आप लोगों को याद है तो। किसी को याद है अर्जुन ने कब ली थी शरण भगवान की, कौन सा श्लोक था,
क्या 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 थी उसकी डिटेल्स? 2.7 था क्या प्रभु जी? कार्पण्य दोष 2.7। हाँ क्या बोला था उसमें 2.7 में? अदिति बताएगी या भव्य बताएगा? कौन बताएगा बिना देखे? अच्छा और कोई बिना देखे बता सकता है प्रभु जी? आई कैन ट्राई। आई थिंक भव्य बता रहा है। ओके भव्य नहीं राशिका उस 2.7 में जब हमने वो क्वेश्चन वो बता रहे थे कि कृष्णा जैसे बता रहे थे कि सुपर सोल और उनके बारे में बात कर रहे थे कि मतलब हम लोग जैसे कुछ भी नहीं है तो कभी वो करना जैसे उनकी ड्यूटी के लिए बात हो रही थी, वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए भी कंफ्यूज हो गए थे कि मैं फैमिली मेंबर है, सब लोग हैं मेरे सामने, कि मैं अपनी फैमिली मेंबर को मार के ये सब करके क्या हासिल करूंगा टाइप। तो फिर कृष्णा भी उनको बोलते, तो फिर वो कृष्णा भी उनको समझाते कि ये सब मियर सोल है। और उसके बाद फिर अर्जुन कहते कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं क्या करूँ अब आगे। अर्जुन ने बोला कि आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड आई हैव लॉस्ट कंपोजर राइट ड्यू टू माइजरली वीकनेस। इन दिस कंडीशन इन दिस सिचुएशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी सर्टेनली व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। आप मुझे बताइए कि क्या है मेरे लिए सबसे ज्यादा उचित, सबसे ज्यादा सही चीज क्या है। मैं आपके पूरी तरह से शरण लेता हूँ, आपका शिष्य बन गया हूँ। शिष्यस्ते हम शाद इमाम त्वाम परोपन्नम। मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, आप मुझे इंस्ट्रक्ट करो, आप मुझे गाइड करो, आप मुझे दिशा दिखाओ। तो ये पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाता है भगवान को जो हम ऐसे भगवान के शरण लेके करते हैं, और भगवान उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं हमारे साथ। और अगर हम अपने हिसाब से चलेंगे कि हमें जी क्या पता है वो करना है, हमने भगवान वगैरह तो देखी जाएगी जो है, तो भगवान हमें छोड़ते हैं कि हाँ भाई जैसे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम कितना भगवान का शरण ले रहे हैं, जैसे अर्जुन ने लिया था पूरी तरह से। अगर पूरी तरह से हम भगवान का शरण लेते हैं तो फिर हमारे को कहीं पे भी कोई एंजाइटी या स्ट्रेस या फियर की जरूरत ही नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद ने पूरा शरण लिया होता है भगवान का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जिस तरीके से हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं उसी तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो हम कल यही स्टोरी सुना रहे थे साक्षी गोपाल की, जो साक्षी गोपाल मंदिर है अभी तो उड़ीसा में है, लेकिन एक बारी हुआ क्या था, जो तीर्थ यात्रा में जाते थे पहले लोग, तो दो ब्राह्मण जा रहे थे तीर्थ यात्रा में, एक थोड़ा एल्डरली ब्राह्मण था और एक थोड़ा यंग ब्राह्मण था। तो जो एल्डरली बूढ़ा ब्राह्मण था उसकी बड़ी हेल्प करी है जवान ब्राह्मण ने, यंग ने, और बहुत उसको अलग अलग तीर्थ स्थानों में, पहले तो चल के जाना पड़ता था, ऐसा थोड़ी था कि पहले आपने ट्रेन या प्लेन की टिकट कराई, पहले तो वॉकिंग, अगर आपको तीर्थ जाना है कहीं तो पैदल जाओ। और तीर्थ यात्रा में जाके लोग सुनते थे भगवान, जो वहां पे रियलाइज साधु महात्मा होते थे उनसे लेते थे ज्ञान लेते थे। तो ये ओल्ड ब्राह्मण, इसके लिए बड़ी कठिनाई हो रही थी क्योंकि नेचुरली एज के साथ साथ इतनी स्ट्रांग रहती नहीं है बॉडी। तो ये जो यंग ब्राह्मण थे ये बड़ा उनकी मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे हर तरीके से जैसे भी हो। और जो बूढ़े ब्राह्मण थे वो नोटिस कर रहे थे कि कैसे इन्होंने लगातार मेरी हेल्प करी है। वो मन में लग रहा था कि ऐसी हेल्प तो कोई भी किसी की नहीं करता उस जमाने में भी। तो एक बार एक जगह पहुंचे वो तीर्थ स्थल में वृंदावन, गोपाल जी का एक मंदिर था, तभी उनको लगा, उन्होंने एक्सप्रेस किया अपने ग्रेटिट्यूड कि मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी इतनी मदद की है, इतना तो कोई अपना खुद का बेटा नहीं करता है जितनी आपने मेरी मदद की है। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे आपके लिए कुछ करना चाहिए। तो यंग ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो मेरा कर्तव्य था, ये मेरा फर्ज था, आप भगवान के उसके लिए जा रहे हो तो भगवान के भक्त तो आप,
तो जरूर आपकी तो मेरे को करनी करनी है, ये भावना थी यंग ब्राह्मण की। तो जब इस तरीके से वो बोलने लगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ओल्ड ब्राह्मण ने कहा नहीं मेरे को जरूर कुछ ना कुछ आपके लिए करना चाहिए, और आपके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, आप इतने सही हो, आप एक्चुअली मेरी बेटी के लिए आप परफेक्ट कैंडिडेट हो, मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कराऊंगा। नहीं नहीं देखो ऐसा है कि आपने अभी सलाह मशवरा किया नहीं अपनी फैमिली से, आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स भी हैं, और आपकी जो है आप हाई क्लास के ब्राह्मण हो, मैं बड़ा लो क्लास का ब्राह्मण हूँ, और मैं बड़ा वैसे भी पिछड़ा हुआ हूँ, क्या कहते हैं इतना इतना रिच नहीं हूँ आपके जैसे। मगर नहीं नहीं जब इतनी अच्छी क्वालिटी था आपके अंदर तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती, तो उन्हें वादा कर दिया गोपाल जी के सामने कि मैं तो अपनी बेटी की शादी आपसे कराऊंगा। ये जो यंग ब्राह्मण थे ठीक है आगे वापस, अब काफी दिन निकल गए वापस आने के बाद अपने गांव में आ गए, तो उसने ओल्ड ब्राह्मण ने बताया अपने बेटे को अपनी वाइफ को कि भाई ऐसे ऐसे मैंने फिक्स कर दिया मैरिज। उन्होंने कहा क्या फिक्स कैसे कर दी तुमने, बिल्कुल भी नहीं, और वो भी उसके साथ ना, बिल्कुल ये हो नहीं सकता, उसने जो हेल्प की तुम्हारी की होगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हम बेटी की शादी कराते फिर ऐसे ऐसे लोगों से जिनका कोई वो नहीं है, हमारे स्टैंडर्ड के होने चाहिए लोग। तो ले ये तो अब इसकी कुछ कोई सुने ही ना घर में, ये परेशान हो गया ओल्ड ब्राह्मण की मैं क्या करूँ यार। तो थोड़े टाइम बाद जब यंग ब्राह्मण ने देखा कि ये तो इतने दिन हो गए कोई इनसे न्यूज ही नहीं आई, तो ये खुद ही चला गया हालचाल पूछने, भाई क्या ठीक है आपके यहाँ क्या है। तो जब गया उसको पता लग गया कि उसके बेटे ने उन फैमिली वालों ने इसको कहा कि ये सब गलत मलत चीजें मत सोचना तुम कि इसके साथ शादी हो जाएगी। तो यंग ब्राह्मण बेचारा सोचने लगा कि देखो उसने ऐसे ही मेरे को बोला और भगवान के आगे वादा कर दिया, तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, भगवान के आगे उसने ऐसे वादा किया है तो ये उचित नहीं रहेगा अगर वो अपना वादा पूरा नहीं करेगा। तो उसने पंचायत को जाके बोला, पंचायत बुलाई तो पंचों ने कहा ठीक है, दोनों पार्टीज को बुलाया, उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा कुछ हुआ था ओल्ड ब्राह्मण से। अब ओल्ड ब्राह्मण का तो समझ नहीं आ रहा था क्या बोलो, प्रेशर में आ गया था वो। तो उसकी फैमिली वाले बोलने लगे, कह रहे नहीं नहीं ये तो इसने तो लूटा है, बल्कि हमारा सारा कुछ ना कुछ इंटॉक्सिकेशन वगैरह पिला दिया इसने, और उसकी वजह से इनको अपनी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं रही इनकी, और इन्होंने कुछ यू नो चोरी कर ली इसके सारा सामान हमारे पिताजी का, और अब ये क्लेम कर रहा है कि इन्होंने ऐसे ऐसे बोला है कि बेटी की शादी कराया, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ऐसा ही है तो उससे पूछो कि कोई इसका विटनेस है, कोई गवाह है, कोई सबूत है। तो उन्होंने पूछा हाँ भाई आपके पास गवाह सबूत है? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मेरे पास एक गवाह है। उन्होंने कहा कौन है गवाह? उन्होंने कहा जी ये तो गोपाल जी के सामने हुआ है टेम्पल में, तो गोपाल जी गवाह है। तो सब हंसने लगे। उसने कहा कि अच्छा गोपाल जी अगर बुला लोगे तो मेरे पिताजी आपको वो दे देंगे। पंचायत ने भी ये बोल दिया हाँ ठीक है आप ले आओ फिर गोपाल जी को, फिर हम दे देंगे ये करा देंगे शादी आपको। तो उसने कहा ठीक है। तो अब देखो ये इसका इसका पूरा फेथ था यंग ब्राह्मण का, ठीक है ना, इसने ये नहीं सोचा अरे हम दो ही हैं वहां पे कोई भी नहीं है, और नहीं उसको भी पूरा फेथ था कि इसने गोपाल जी के सामने बोला, वो साक्षात प्रकट है, साक्षात सामने। उस तरह से हम टेम्पल में जाते हैं हमारे को ये फेथ होना चाहिए कि भगवान साक्षात वहां प्रेजेंट है। कई बार लोग क्या करते हैं वो मंदिर जाते हैं लेकिन वो अपनी गप्पे इधर उधर की करते हैं, सामने होते हैं भगवान उनके तरफ पीठ कर देते हैं, पीठ करके बैठ जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस नहीं है, ऐसी कॉन्शियस नहीं है कि वो भगवान एक्चुअली सामने साक्षात खड़े हैं। हमारे घरों में भी हमारे वर्शिप करते हैं हम भगवान के फॉर्म्स, और हम बिल्कुल उनको ट्रीट करते हैं जैसे कोई है ही नहीं यहाँ। एक्चुअली जितना हम ये इस तरीके से भाव में रहेंगे कि ये भगवान साक्षात है यहाँ पे, उतना भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे हमारे साथ उसी भावना में। तो वो चला गया उड़ीसा से, पैदल गया वो वृंदावन द्वारा से, वहां जाके उसने बोला कि गोपाल जी वो ब्राह्मण को मैंने बोला भी था कि आपके सामने ऐसे वादा ना करे, उसने आपके सामने प्रॉमिस कर दिया और अभी वो प्रॉमिस अपना पूरा नहीं कर रहा,
तो मुझे लग रहा है ये उसके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं, उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी ऐसे भगवान के आगे किया हुआ वादा पूरा ना करने में। तो आप प्लीज मेरे साथ चलिए और चल के उनको बताइए कि ऐसा उसने वादा किया है, क्योंकि फिर वो इस वादे को पूरा कर सकेंगे। तो पीछे से आवाज आई भगवान की, उन्होंने कहा देखो मैं आप जाओ वहां पे, मैं वहां पे उनको प्रकट होके बोल दूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं प्रकट वगैरह नहीं, आपको ऐसे ही मेरे साथ चलना पड़ेगा अभी, अगर वो इस फॉर्म में नहीं देखेंगे आपको गोपाल जी की तो फिर वो विश्वास नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा लेकिन मैं तो डीटी हूँ, मैं तो एक जगह खड़ा रहता हूँ, मैं थोड़ी चल सकता हूँ, आई कैन नॉट वॉक। उसने कहा इफ यू कैन टॉक देन यू कैन वॉक। तो भगवान जो है अपने भक्तों से डिफीट हो जाते हैं कई बार। तो उन्होंने कहा अगर आप इतना कह रहे हो तो चलो मैं चलता हूँ, लेकिन आपको एक शर्त है। मैंने कहा क्या शर्त है? मैं देखो आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आप आगे आगे चलते रहो, और रास्ते में जो जो आपको जब आपको मन करे आप मुझे ऑफरिंग कर सकते हो, जो भी खाने की ऑफरिंग करे आप कुछ भी खाना वगैरह बना के मुझे दे सकते हो। ठीक है, तो वो चलते रहे, चलते 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 बीच बीच में वो कुक करके या जो भी भगवान को भोग लगाना था उसने वो रखता जा रहा था पीछे और आगे चलता जा रहा था। और भगवान ने पायल पहनी हुई थी जिसकी आवाज छन 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 करके उसको आ रही थी। अब वो पूरा रास्ता कट गया, गांव के अंदर एंटर ही करने वाले थे तभी क्या हुआ, आवाज आनी बंद हो गई पायल की। समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया भाई, कि भगवान पीछे कहीं रह तो नहीं गए, कहीं छूट गए हो, रास्ता वास्ता भूल गए हो, क्या हो गया। देखा उसने कि देखना ही पड़ेगा आप पीछे मुड़ के, वैसे तो मेरे को बोला था उन्होंने कि नहीं देखना, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ा भगवान वही खड़े हो गए। भगवान ने कहा अब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें कहा था कि तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना, अगर पीछे मुड़ के तुम देखोगे तो मैं जहाँ हूँ वहीं स्टिल हो जाऊंगा, तो मैं यहीं स्टिल हो गया हूँ। अब तुम जाओ, जाके गांव वालों को यहाँ बुलाओ, गांव वालों को बोलो कि गोपाल जी आ गए हैं और वो साक्षी हैं, साक्षात फिटनेस देने के लिए आए। तो गया वो, सारे गांव वालों को बुलाया उसने। जब गांव वाले ने देखा कि अरे साक्षात गोपाल जी आ गए हैं, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, सब वहां पे गए बाहर, और जो ओल्ड ब्राह्मण की फैमिली थी और वो थे, वो ही बड़े एम्बेरस हो गए, काफी उनको शर्म आई कि हमने ऐसे कितने गलत बिहेवियर किया। और भगवान ने तभी बोला कि देखो ये यंग ब्राह्मण जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, इस ओल्ड ब्राह्मण ने वचन दिया था और अब ये मुकर रहा है वचन पूरा करने से, तो पंचायत भी मान गए, सब मान गए। तो फिर वो फैमिली जो थी एम्बेरस हो गई, वो भी मान गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने बहुत गलत किया है, हमें माफ कर दिए, और भगवान से हमने माफी मांगी और अपनी बेटी की शादी कराई। और वो जो गोपाल जी का जी आए थे वहां पे, उनका वहीं पे टेंपल एस्टेब्लिश हुआ, और उस गोपाल जी को कहते हैं फेमस साक्षी गोपाल टेंपल, आज भी है वहां पे उड़ीसा में, तो आप लोग कभी जा सकते हो, वहां इसकी स्टोरी बताएंगे हम। तो ये एक एग्जांपल है, और ऐसे कई सारे एग्जांपल है जहां भगवान उस तरीके से रेसिप्रोकेट करते हैं जैसे भक्त उनकी तरफ बढ़ता है। एक और स्टोरी है एक छोटे से बालक की, उसका नाम है, शायद मैंने पहले भी सुनाई हुई है लेकिन आप लोगों से कुछ लोगों ने नहीं सुनी थी, तो इसमें बताता हूँ। एक भगवान का भक्त था, उसका नाम था मुकुंदा, और मुकुंदा का एक बेटा था, छोटा सा बेटा था, कुछ साल का था, 4-5 साल का, उसका नाम था रघुनंदन। तो मुकुंद को ना एक बारी जाना था कहीं काम पे, तो उसने अपनी वाइफ को बोला कि भाई देखो मेरे को जाना है भोग लगाने के लिए, जो है अपने बेटे को बोला कि रघुनंदन आप ना भगवान को ये जो माता जी आपको बना के देंगी आपको वो थाली में लेके जाना है भगवान का सामने, और भगवान को ऑफर करना, और भगवान को प्रेम से बोलना आप कि भगवान सब खा लें। तो चले गए उनके पिताजी, पीछे रघुनंदन को दी थाली में पूरा सब कुछ, खाना पीना जो बनाया था सारा कुक करके सारा का सारा रख दिया ऑफरिंग के लिए। तो वो लेके गए वहां भगवान के सामने रखा,
और भगवान के नाम लिया, उनका प्रे किया भगवान से और बोला भगवान को लेने के लिए। और लेने के बाद थोड़ी देर में उसने देखा कि सारा का सारा जो भोका था वो वैसे का वैसे ही था, कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। रघुनंदन को बहुत ज्यादा ही फेल्ट वेरी सैड, वो बहुत दुख हुआ। उन्हें कहा लगता है मेरे पिताजी आज है नहीं घर में, इसलिए भगवान खा नहीं रहे कुछ, मेरे हाथ से खाना नहीं चाहते। वो रोने लगा और भगवान से बोलने लगा, भगवान देखो आप प्लीज खा लो, ऐसे मत करो, आप हर रोज खाते हो मेरे पिताजी के हाथ से, आज मैं मेरे को उन्होंने कहा है और आप नहीं खाओगे मुझे बहुत दुख होगा। तो रोने लगा। फाइनली क्या हुआ, भगवान को कहना पड़ा नहीं देखो मैंने खा लिया है। मैं उन्होंने कहाँ खाया है, सारा कुछ सब कुछ तो है उसमें, थाली पूरी के पूरी। नहीं नहीं मैं ऐसे ही खाता हूँ, मैंने इधर कहते नहीं ऐसे कुछ नहीं खाते यार, देख लो थाली में सब। तो भगवान को मजबूरन आके सारी की सारी थाली खत्म करनी पड़ी, पूरा का पूरा खाया। फिर उसको सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भगवान, तो लेके आया थाली। अब वो थाली किचन में लेके आया तो मम्मी परेशान, उन्होंने कहा कि ले बेटे कहाँ गया प्रसाद, कृष्णा ने खा लिया। अरे अरे कृष्णा ने, उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। और सोचो 4-5 साल का बच्चा, वो लेके आए खाली थाली किचन में, ठीक है ना, और कहे कि खा लिया कृष्णा ने, तो जनरली क्या सोचेंगे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, क्या लगता है आप लोगों को? खुद खा लिया होगा, खुद खा लिया। हाँ तो उनको भी समझ नहीं आ रही, उन्होंने कहा ये पता नहीं क्या चल रहा है, गड़बड़ हो रही है। तभी आए पिताजी, आ गए उनके घर। पिताजी ने कहा चलो मेरे को दे दो प्रसाद, खाया नहीं मैंने कुछ सुबह से। माता ने कहा कि क्या दू प्रसादम, सब खत्म हो गया घर में, खत्म हो गया क्या हो गया, वो मैंने सारा कुछ ही इसको दिया था ऑफर करने के लिए, उसने सारा ऑफर करने के लिए गया और आके कह रहे भगवान ने खा लिया, क्या करूं। नो प्रॉब्लम, आप फिर से बनाइए। उन्होंने कहा हाँ मैं अब लड्डू बनाती हूँ। उन्होंने लड्डू बनाया भगवान से फटाफट, उन्होंने कहा रघुनंदन को फिर देंगे ऑफर करने के। रघुनंदन आप जाओ फिर से भगवान को ये ऑफर कर। फिर क्या, वो ऑफर करने के लिए लड्डू रखा उसने, वैसे ही भगवान को बोला। फिर वहां पे देखा उसने को लड्डू खाया नहीं, फिर बड़ा परेशान हुआ, बहुत रोने लगा भगवान के सामने। उन्होंने कहा नहीं मैं हो गया, कहा नहीं नहीं हुआ आपका, देखो पूरा करा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान बाहर निकले और तभी छुपके से वो देख रहे थे, उनके पिताजी छुपके से देख रहे थे, और उसने क्या किया लड्डू लिया और खाया। जैसे ही भगवान ने खाया उनके पिताजी एकदम खुशी में, आनंद में, एक्सटेसी में, बाहर उनसे इमोशंस एकदम कंट्रोल नहीं हुए और वो एकदम बाहर आए, और उन्होंने तभी भगवान जो थे वो अंदर वापस चले। लेकिन लड्डू का एक बाइट ले लिया था, तो वो लड्डू जो है वो वहीं पर पड़ा। और आज भी वहां पे एक मंदिर है जिसमें वो लड्डू भगवान का आधा खाया हुआ आज भी उपस्थित है, रखा हुआ वहां पे प्रिजर्व करके उसको। तो ये जो भगवान के साथ लीला है भक्तों की, ये रेसिप्रोकेशन ऑफ लव का एग्जाम्पल है। जो जिस तरीके से भगवान की तरफ बढ़ता है वो उसी तरह से भगवान उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर कोई भगवान की तरफ ये सोच के बढ़ता है कि हाँ भगवान पर्सनली प्रैक्टिकली पर्सनली इसमें है, इन फॉर्म्स में, इन विग्रह में, तो भगवान उसी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। ओके ये तो साक्षी गोपाल उड़ीसा में है, ये लड्डू वाला टेंपल बंगाल में, ये अलग जगह, दोनों अलग अलग है। ओके तो ऐसे बड़ी सारी स्टोरीज हैं, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हमारे को थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा, लेकिन आई होप दिस क्लैरिफाइज द पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सबको समझ में आया आज का जो डिस्कशन था? Yes. Yes. Excellent. किसी का कोई question, comment या कोई point है तो हम ले सकते हैं अभी, question, comment, point, otherwise we'll end. Last story मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने पहली बार सुनी थी। गुड़िया हमें आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा पास आके बोलेंगे? नहीं मैंने कहा कल जो पहली वाली स्टोरी थी वो तुमने बताया था तो वो अच्छा रिपीट हो गई, और सेकंड वाली आज नई अच्छी पता चली ना, अच्छी लगी। हाँ।
वेरी वेरी प्रोफाउंड. और इस टेंपल में भी आप जाओगे बहुत ही ज्यादा अच्छी जगह है वो, वेरी वेरी नाइस. ओके तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग. हम अपना कंटिन्यू रखेंगे. इंडिया वालों के लिए आज एकादशी है, सो हैप्पी एकादशी. अब जितनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर सकते हो आप करिए, आपको बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट होगा, हजारों हजारों गुना ज्यादा. ओके भगवद गीता की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. जय हरे कृष्णा. ये स्टार क्यों बने हुए हैं?